हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, आगे भी शेयर करना। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ती हूँ वीडियो की तरफ कि मैं आज क्या न्यूज़ लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, यह दैनिक भास्कर का एक न्यूज़पेपर है। और ठीक है, ये जो ये नोटिस है ये दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली का है, ये दिल्ली से नोटिस है। इस पर लिखा है, देश भर में एक जैसी होगी नर्सिंग की पढ़ाई, हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज, नर्सों को कुछ मर्ज में दवा लिखने की मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अब नर्सिस को भी राइट मिलेगा कि कुछ ही कंडीशंस में वो मेडिसिन लिख सकती हैं पेशेंट को। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, देश भर के नर्सिस की कमी को दूर करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके अनुसार लिखा है कि जो डॉक्टर के अनुपात में 30 नर्स होगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने तय किया है कि हर ज़िले में कम से कम एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करनी होगी। हमें नर्स की कमी को दूर किया जा सके। जिससे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, देश भर के सभी नर्सिंग कॉलेज में एक जैसी पढ़ाई होगी, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली नर्सिंग की फ़ौज खड़ी की जा सके। अच्छी पढ़ाई होगी तभी अच्छी नर्सिस की फ़ौज होगी, और तभी पेशेंट को वो सेफली ट्रीट कर पाएंगी नर्सिस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जो वर्तमान में ज़रूरतों को देखते हुए नर्सिंग कोर्स में मेंटल हेल्थ, जेरियाट्रिक्स एंड ट्रॉमा या इमरजेंसी केयर, न्यूबॉर्न केयर, पैलिएटिव केयर, संक्रामक बीमारियों से रोकथाम और अंग प्रत्यारोपण संबंधी विषय के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ये सब तो अब भी पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल और कॉम्प्रहेंसिव, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। ये सिर्फ BSc नर्सिंग ही एकमात्र कोर्स होगा जिसकी पढ़ाई करके नर्सिंग की नौकरी की जा सकेगी, क्योंकि GNM अब दोस्तों बंद हो चुका है। और दिन में क्या नाम है, अब जितने भी GNM कॉलेजेस हैं उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है BSc नर्सिंग कॉलेजेस में। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ लिखा है कि देश में 43 लाख, इसमें लिखा है ना 43 लाख नर्सेस की ज़रूरत है, एंड सिर्फ यहाँ पे 21.51 लाख ही नर्सेज हैं हमारे देश में। अब यहाँ देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इसमें WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि देश में फिलहाल 1000 की आबादी पर 1.7 नर्स हैं, जबकि WHO के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1000 की आबादी में 3 नर्स होनी चाहिए। इस अनुसार देश में अभी भी 43 लाख नर्सेज की ज़रूरत है, जबकि वर्तमान में 21,51,000 नर्स और मिडवाइफ ही रजिस्टर्ड हैं नर्सिंग काउंसिल्स में। तो इसलिए सरकार का ये विचार है कि अब हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज को खुलवाया जाए और अच्छे से पढ़ाई कराई जाए, ताकि नर्सेज भी कुछ ही मर्जों पे अपनी दवा पेशेंट को लिख सके दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। चैनल पे बने रहने के लिए और नए नए अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सके दोस्तों। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।